जय भोले मित्रों, मित्रों आप आप सभी सभी का का स्वागत स्वागत है है मेरे मेरे YouTube YouTube चैनल चैनल भोले भोले तंत्र तंत्र पर। पर। आशा आशा करता करता हूँ हूँ महादेव महादेव रुद्र रुद्र की की कृपा कृपा सभी सभी पर पर बनी बनी रहे। रहे। दोस्तों, दोस्तों, आज आज मैं मैं आप आप सभी सभी के के लिए लिए कल्पसाचनी कल्पसाचनी की की साधना साधना लेकर लेकर आया आया हूँ। हूँ। और और एक एक विषय विषय ये ये भी भी है है कि कि जो जो नए नए साधक साधक हैं हैं जो जो हमसे हमसे जुड़ते जुड़ते हैं, हैं, जिनको जिनको ना ना तो तो साधना साधना के के बारे बारे में में ना ना उसके उसके क्षेत्र क्षेत्र के के बारे बारे में में कोई कोई जानकारी जानकारी होती होती है, है, ना ना किसी किसी प्रकार प्रकार का का अनुभव अनुभव होता होता है, है, वो वो सीधे सीधे मुंह मुंह उठाकर उठाकर चले चले आते आते हैं हैं कि कि गुरुजी गुरुजी मुझे मुझे ये ये साधना साधना दे दे दो, दो, मैं मैं ये ये सिद्ध सिद्ध कर कर लूंगा, लूंगा, मुझे मुझे ये ये सिद्धि सिद्धि मिल मिल जाएगी। जाएगी। और और कुछ कुछ लोग लोग आते आते हैं, हैं, कहते कहते हैं हैं गुरुजी गुरुजी मुझे मुझे दीक्षा दीक्षा दे दे दो, दो, मुझे मुझे ये ये कर कर दो, दो, मुझे मुझे वो वो कर कर दो, दो, जिससे जिससे मैं मैं करोड़पति करोड़पति बन बन जाऊं, जाऊं, मैं मैं लखपति लखपति बन बन जाऊं। जाऊं। ठीक ठीक है है दोस्तों, दोस्तों, तो तो पहले पहले बात बात करते करते हैं हैं इन इन साधकों साधकों के के बारे बारे में, में, फिर फिर बात बात करेंगे करेंगे कल्पसाचनी कल्पसाचनी साधना साधना के के बारे बारे में। में। दोस्तों, दोस्तों, कुछ कुछ साधक साधक और और कुछ कुछ नॉर्मल नॉर्मल जो जो हैं, हैं, जो जो साधक साधक नहीं नहीं हैं, हैं, जिनको जिनको अनुभव अनुभव भी भी नहीं नहीं है है इस इस क्षेत्र क्षेत्र में, में, केवल केवल YouTube YouTube पर पर वीडियो वीडियो देख 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 के के लोगों लोगों की की जो जो एक एक दिन दिन में में सिद्धि सिद्धि हो हो जाए, जाए, दो दो दिन दिन में में सिद्धि सिद्धि हो हो जाए, जाए, पांच पांच दिन दिन में में सिद्धि सिद्धि हो हो जाए, जाए, उसके उसके भ्रम भ्रम में में फंस फंस कर कर लोगों लोगों के के जाल जाल झांसे झांसे में में फंसते फंसते हैं। हैं। और और कई कई यूट्यूबर्स यूट्यूबर्स जो जो लोग लोग हैं, हैं, मैं मैं नाम नाम नहीं नहीं लूंगा, लूंगा, उसमें उसमें से से एक एक यूट्यूबर्स यूट्यूबर्स का का कई लोगों के ठगे ठगे जाने जाने का का और और कई कई लोगों लोगों का का पैसा पैसा लूटने लूटने का का प्रमाण प्रमाण भी भी है है मेरे मेरे पास, पास, और और उसका उसका सबूत सबूत भी भी है है क्योंकि क्योंकि एक एक यूट्यूबर यूट्यूबर है, है, उसने उसने क्या क्या किया किया है है कि कि लोगों लोगों को को एक एक दिन दिन की की साधना साधना बताकर, बताकर, दो दो दिन दिन की की साधना साधना बताकर बताकर कि कि हरबूजिन हरबूजिन कर कर लो, लो, तुम्हें तुम्हें 11,000 रुपए11,000 रुपए की की है, है, इसके इसके सिद्ध सिद्ध करने करने के के बाद बाद तुम्हारा तुम्हारा सब सब कुछ कुछ हो हो जाएगा। जाएगा। और और कई कई लोग लोग हैं, हैं, पर पर उसमें उसमें से से एक एक जो जो बंदा बंदा है है वो वो ज्यादा ज्यादा हाईलाइट हाईलाइट हो हो रहा रहा है, है, तो तो उसके उसके विषय विषय में में बहुत बहुत जल्द जल्द चर्चा चर्चा करने करने वाले वाले हैं। हैं। पहले पहले कुछ कुछ लोग लोग और और जुड़ जुड़ जाएं जाएं इस इस विषय विषय में, में, और और समझने समझने वाले वाले तो तो समझ समझ ही ही गए गए होंगे होंगे कि कि मैं मैं किसको किसको कह कह रहा रहा हूँ, हूँ, पर पर दोस्तों दोस्तों जो जो मेन मेन बात बात है, है, मुद्दे मुद्दे की की बात बात है है कि कि यार यार कोई कोई बंदा बंदा जब जब जाता जाता है है किसी किसी के के पास पास साधना साधना लेने, लेने, यार यार जब जब उसको उसको पता पता ही ही नहीं, नहीं, बात बात कल कल ही ही उठा उठा लीजिए, लीजिए, एक एक बंदे बंदे का का फोन फोन आया आया मेरे मेरे पास, पास, वो वो मुझको मुझको कहता कहता है है गुरुजी गुरुजी मुझको मुझको ये ये साधना साधना चाहिए चाहिए और और मुझे मुझे जिनकी जिनकी साधना साधना आप आप करा करा दीजिए दीजिए और और मुझे मुझे ऐसा 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 करना करना है। है। तो तो मैंने मैंने पूछा पूछा तुम तुम इस इस जिनके जिनके बारे बारे में में जानते जानते क्या क्या हो हो पहले पहले तो? तो? अच्छा, अच्छा, कुछ कुछ लोग लोग क्या क्या करते करते हैं हैं कि कि केवल केवल सामने सामने वाला वाला आया, आया, उसने उसने साधना साधना मांगी मांगी और और उन्होंने उन्होंने क्या क्या करा, करा, पैसे पैसे लिए, लिए, पैसे पैसे लेके लेके तुरंत तुरंत साधना साधना दे दे दी। दी। अब अब वो वो बंदा बंदा जिए जिए मरे मरे सिद्ध सिद्ध होए होए या या ना ना हो, हो, उससे उससे कोई कोई मतलब मतलब नहीं, नहीं, उसका उसका पैसा पैसा मिल मिल गया, गया, उसको उसको मंत्र मंत्र दे दे दिया। दिया। मतलब मतलब ये ये है है दुकानदार दुकानदार वाला वाला काम काम है। है। ठीक, ठीक, पर पर फिर फिर मैं मैं उस उस बंदे बंदे का का मेरे मेरे पास पास फोन फोन आया, आया, पहले पहले मैसेज मैसेज आया, आया, फिर फिर फोन फोन आया, आया, बहुत बहुत देर देर तक तक मैसेज मैसेज करता करता रहा रहा करता करता रहा, रहा, मैंने मैंने रिप्लाई रिप्लाई नहीं नहीं दिया। दिया। उसके उसके बाद बाद जब जब मैंने मैंने देखा देखा ये ये ज्यादा ज्यादा ही ही बंदा बंदा परेशान परेशान लग लग रहा रहा था, था, उसने उसने कॉल कॉल किया, किया, फिर फिर मैंने मैंने कॉल कॉल पे पे बात बात करी करी उससे। उससे। कॉल कॉल करने करने के के बाद बाद मैंने मैंने उससे उससे पूछा, पूछा, तो तो उसने उसने मुझसे मुझसे पूछा पूछा कि कि गुरुजी गुरुजी इफ्रित इफ्रित जिन जिन की की साधना साधना मुझे मुझे करनी करनी है, है, तो तो मैंने मैंने पूछा पूछा उससे उससे कि कि इफ्रित इफ्रित जिन जिन के के बारे बारे में में क्या क्या जानते जानते हो, हो, मुस्लिम मुस्लिम इल्म इल्म के के बारे बारे में में तुम तुम क्या क्या जानते जानते हो, हो, साधना साधना के के क्षेत्र क्षेत्र के के बारे बारे में में तुम तुम क्या क्या जानते जानते हो, हो, हैं? हैं? तो तो कह कह रहा रहा गुरुजी गुरुजी मुझे मुझे कुछ कुछ नहीं नहीं पता पता है। है। तो तो फिर फिर मैंने मैंने बोला बोला कि कि मान मान लो लो अगर अगर तुम तुम किसी किसी को को जा जा रहे रहे हो, हो, किसी किसी को को हराने हराने जा जा रहे रहे हो, हो, उसको उसको अपना अपना गुलाम गुलाम बनाने बनाने जा जा रहे रहे हो, हो, तो तो तुम्हारे तुम्हारे पास पास भी भी तो तो हथियार हथियार कट्टा कट्टा बंदूक बंदूक होना होना चाहिए चाहिए कि कि सामने सामने वाले वाले से से निहत्ते निहत्ते लड़ोगे लड़ोगे जाके, जाके, ना ना हाथ हाथ आएगा आएगा कुछ, कुछ, ऊपर ऊपर से से अपनी अपनी चीजें चीजें भी भी ले ले डूबेगा डूबेगा और और दोष दोष दोगे दोगे सामने सामने वाले वाले को को कि कि फला फला आदमी आदमी ने ने हमको हमको दिया दिया था। था। तो तो मैंने मैंने उसको उसको शुरू शुरू से से एक एक चीज चीज समझाई समझाई कि कि बच्चा बच्चा जब जब शुरुआती शुरुआती से से पढ़ना पढ़ना सीखता सीखता है है तो तो वो वो डायरेक्ट डायरेक्ट इंटर इंटर या या ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन का का पेपर पेपर नहीं नहीं देता देता है, है, वो वो पहले पहले ए ए फॉर फॉर एप्पल, एप्पल, बी बी फॉर फॉर बॉल बॉल लिखना लिखना सीखता सीखता है। है।
इतना इतना लोगों का इतना समझाया मैंने, मुझे एक महीना हो गया चैनल खोले हुए, एक महीने के ऊपर, और मैंने अधिकतर वीडियोज में समझाया लोगों को कि शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो, शुरुआत से चलो पर धीरे धीरे चलो। पर नहीं, एक महीने में सबको तांत्रिक बनना है, एक दिन में तांत्रिक बनना है, सिद्धियां हासिल करनी है, करो पैसे डुबाओ। इसीलिए ही मैंने लोगों को मुफ्त करना छोड़ दिया है, इसीलिए निःशुल्क मैंने छोड़ दिया है। हाँ, पर जिसको जरूरत पड़ती है, जिसको मुझको लगता है कि हाँ ये बंदा मजबूर है, इसको सही में सीखना है, तो मैं उसकी परीक्षा भी लेता हूँ। अगर वो परीक्षा क्लियर करता है, परीक्षा में पास होता, तो मैं उसको देता भी हूँ, गुरु मंत्र देता हूँ, रक्षा मंत्र देता हूँ, उसके बाद फिर मैं उसको एक साधना भी देता हूँ। यार पहले उस चीज से, तुम उस लाइन से तो जुड़ो, पर तुम्हें जोड़ना ही नहीं है, सीधे तुमको साधना करनी है, तुमको सिद्धि जा मिल जाएगी सीधे, ना फिर अनुभव होगा, ना तुम्हें प्रत्यक्षीकरण होगा, ना आवाज आएगी, ना कुछ होगा, बस ये कह दोगे गुरुजी सामने वाले ने लूट लिया। तो पर ये इस चीज को, छोटी छोटी चीजों को कॉमन सेंस लगा के आप खुद लोग समझ सकते हैं, ठीक है। सिद्धियां करना आसान नहीं है, मामूली बात नहीं है। तुम मंत्र सिद्ध कर लोगे, एक दिन में मैं कह रहा हूं कि हाँ तुम मंत्र सिद्ध कर लोगे, पर उस मंत्र की जो सिद्धि होती है ना, उसकी शक्ति होती है ना, वो तुम प्रत्यक्षीकरण करके कर ही नहीं सकते हो, समझो इस बात को। बहुत संघर्ष करना पड़ता है इस लाइन में, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत पैसा बर्बाद करना पड़ता है, ऐसे नहीं बन जाता कोई तांत्रिक। किसी तांत्रिक के पास जाना कभी लॉकडाउन के बाद, उससे पूछना उसकी जीवन शैली। और कोई भी तांत्रिक, मैं चैलेंज के साथ बता रहा हूँ, कोई भी तांत्रिक अगर ये बोल दे, कोई भी साधक ये बोल दे, कोई भी ओझा बोल दे कि मैं एक दिन में या एक महीने में तांत्रिक बन गया, सब कुछ कर लिया, तो तब आके मुझसे मिलना एक बार, मैं आपको अपना पूरा एक एक सिद्धियां, एक एक विधान, एक एक मंत्र के साथ दूंगा, हो सकेगा तो मैं ट्रांसफर ही कर दूंगा तुम लोगों को। पर ऐसा होना चाहिए कि एक दिन में आदमी तांत्रिक बन गया हो, समझो इस बात को। छोटा सा डिफरेंस है, शुरुआत से चलो, धीरे धीरे चलो। अगर ज्यादा दौड़ने की कोशिश करोगे, भागने की कोशिश करोगे, तो मुंह भरा ही गिरोगे, क्योंकि इस लाइन में अगर चूके तो पीढ़ी की पीढ़ी खत्म हो जाती है, याद रखना इस चीज को। ये मेरे गुरु का स्वयं का बताया हुआ ज्ञान है, समझो इस चीज को। और इस बात को उन्होंने प्रूफ करने के लिए, जो उनकी ग्रंथ की किताब थी, जो उनकी शिक्षा की किताब थी, जो उनके मंत्रों की किताब थी, जो उनके पास है गुप्त किताबें, उसमें उन्होंने ये लाइन भी पढ़ाई मुझे कि ये देखो बच्चे, जो मैंने बोला है उसके पहले पन्ने में ही ये लाइन लिखी थी, समझ रहे हो, कि इस लाइन में चूका आदमी सात पीढ़ियां खत्म कर देता है, समझे। ये लाइन साफ साफ लिखी थी, तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मैं भी आप लोगों के जैसा ही जल्दी जल्दी भागने में लगा था, पहले जिंद कर लूं, पहले ये कर लूं, पहले वो कर लूं, बर्बाद हो जाओगे, तरियोनी में फंस के बर्बाद हो जाओगे, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अरे करना है तो बड़ी शक्तियों की करो, छोटी शक्तियों की क्यों करोगे। बड़ी शक्ति को पकड़ के चलो, छोटी शक्ति अपने आप नतमस्तक होकर आएगी तुम्हारे पास। केवल एक मंत्र पकड़ के अगर आप लोग जाप करें, केवल एक मंत्र मैं बता रहा हूं, उसको इतना रम लें, इतना रम लें, इतना रम लें, कि तुमको वो सामने वाली चीज वो आवाज पे आने के लिए मजबूर कर दे। जब तुम आवाज दो तो वो मजबूर हो जाए आने के लिए, तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं उसको सिद्ध, समझो इस डिफरेंस को। खैर छोड़ो इस बात को, क्योंकि आप लोगों के समझ में आना नहीं है, और वीडियो भी हमारा लंबा हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं अब कड़पिसाचिनी के बारे में। देखिए दोस्तों, कड़पिसाचिनी जो होती है वो भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालदर्शी होती है, ठीक है। उससे सटीक कार्य इस क्षेत्र में कोई नहीं कर सकता, कोई भी शक्ति नहीं कर सकती, क्योंकि ये इस चीज की स्पेशलिस्ट है, महारत है इसमें इसको हासिल। दोस्तों कड़पिसाचिनी यहाँ तक आपको बता सकती है कि सामने वाला बंदा क्या काम करके आया है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी जेब में कितना पैसा है, यहाँ तक वो बताने में सक्षम होती है। भूत भविष्य वर्तमान में भूत और वर्तमान वो एग्जैक्ट बिल्कुल आपको बताएगी, 100 से 100%
और जो भविष्य का बताती है वो 95% करेक्ट बताती है, और 5% जो होता है वो आप अनुमानित लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप देवी के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं, और देवी के रूप में ही सिद्ध करना चाहिए, इसके अलावा नहीं करना चाहिए। सिद्ध करने के लिए आपका जो मंत्र है मेरे पास, वो दो मंत्र हैं, उसमें से एक मंत्र कीलित है और एक मंत्र शाबरी है। ठीक है, वो दोनों मंत्र हमारे पास हैं, जिसको चाहिए वो व्हाट्सएप पे आके हमसे जुड़ सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर 7007879170 है, इस पे आप हमें आप व्हाट्सएप करिए, कॉल बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि मैं कॉल उठा उठा के परेशान हो गया हूँ लोगों को। और सब लोगों को केवल वसीकरण कराना है अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, अपने वाइफ के बारे में, ये फलाना पड़ोसिन के बारे में, ये सब कराना है। और अगर इस बारे में मुझसे किसी ने बात करी या मुझको कॉल करा, तो वो केवल बदले में गालियां ही खाएगा, मैं बता देता हूँ। क्योंकि तमीज तो है नहीं बिल्कुल बात करने की। एक लेडी का मेरे पास मैसेज आया, वो अपने आप को इतना पता नहीं क्या रुआब दिखा रही थी, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। अरे यार, मानते हैं तुम किसी सामने वाले के पास गए हो, तो तुम उससे विनम्र बात करोगे कि तुम अपना एटीट्यूड के दिखा के बात करोगे? गलत चीज है, इसको सुधारिए आप लोग। अगर प्यार से जीतेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, अगर रुआब में रहेंगे तो घुटनों का बल झुकाना भी आता है अच्छे से, क्योंकि बड़े बड़ों को झुका दिया, आप लोग क्या हो। ठीक है, तो इस चीज को आप गौर करिए, और हल्के में मत लीजिए इन सिद्धि साधनाओं को, मैं अभी भी बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार अगर इनका पीछा लग गया ना, अगर ये चपक गई ना आपसे, तो फिर छूटे ना छूटेंगी। और कल पिशाचिनी के बारे में मैं एक चीज और भी बता दूं आपको, कि अगर मरते समय या फिर उसके अंतिम समय में वो आदमी पागल जरूर होता है, ये याद रखना। और ना इसमें कोई लेटरिंग पेशाब लगाने की जरूरत होती है कान में, ना कुछ करने की जरूरत होती है, ये सब बकवास है, सब बकवास है यार। एक 14 साल की बच्ची जब इस चीज को सिद्ध कर सकती है ना, तो कोई भी कर सकता है, बस मन साफ होना चाहिए। एक अनुभव बताता हूं मैं अपने आप को, मेरे गुरुजी का स्वयं का बताया हुआ है, जो जब उन्होंने अपने एक रिश्तेदार की बच्ची को वो सिद्ध कराया था, सिद्ध मतलब रिश्तेदार क्या समझा आप उनको, उनकी छोटी बहन ही समझ लीजिएगा, उनको 14 साल की बच्ची को उन्होंने सिद्ध कराया था ये, और सिद्ध कराने के बाद विसर्जित भी करवा दिया। और पहले दिन ही वो बगल में आके बैठ गई थी उनके सामने, उस बच्ची के सामने। आज वो तो करीबन 32 साल की हो गई हैं। उनसे जब मैंने बात करी कि आपने कैसे किया क्या नहीं किया, तब उन्होंने एक चीज बताई थी, केवल मन पवित्र होता है तो कोई भी सिद्धि अपने आप चल के आएगी तुम्हारे पास। तुम लाख किसी के पास सो, तुम लाख दारू पियो, लाख सिगरेट पियो, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा केवल मन शुद्ध होना चाहिए, आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। इस शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ केवल मैं, ठीक है। इस चीज को आप गौर करिए, और इस साधना को परीक्षित साधना है, जिन जिन लोगों ने किया है उन लोगों का मैं अनुभव भी डालूंगा और उनके बारे में भी बताऊंगा। 21 दिन की साधना है, भोग सुन लीजिए, चने और गुड़ का लड्डू ये बनेंगे, 7 लड्डू भोग में लगते हैं, अगरबत्ती जलती है, घी का दीपक जलता है, लौंग बतासा कपूर लगता है, फूल चढ़ते हैं, और जिस रूप में आप उनको सिद्ध करना चाहते हैं उस रूप की प्रतिमा आपको सामने लगानी पड़ती है, तब जाके वो सिद्ध होती हैं। आप लोगों को इस चीज का भी ज्ञान होना चाहिए। आप लोग ये नहीं कि सीधे आप आए, आपने साधना ली और आप करने बैठ गए, आपको सफलता भी मिल गई, इस चीज की भी गारंटी नहीं। आपको कैसे पता? थोड़ा आप अपने दिमाग से भी कॉमन सेंस लगाइए कि वो चीज जो है इतनी बड़ी शक्तिशाली चीज है जो ये काम करेगी, क्या वो मेरे हाथ आएगी और मेरा काम करेगी, मेरा कहना मानेगी? अगर ये चीज आपको लगता है तो आप बहुत बड़े चूतिया इंसान हैं। मुझे मजबूर कर रहे हो आप लोग ये सब शब्द निकालने के लिए। यार पहले कहीं तुम अपना तबोबल बढ़ाओ, अपना गुरु मंत्र लो,
उस लाइन में तुम पहले शुरुआतिंग से जुड़ो, पहले अपनी सुरक्षा की चीजें अपने हाथ लाओ, रक्षा मंत्र हाथ में लेके आओ, अपने गुरु मंत्र को इतना मजबूत कर लो कि तुम्हारी कोई शक्ति नेगेटिव एनर्जी कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही ना पाए। चले हैं करने जिन सिद्ध, शैतान सिद्ध, भूत प्रेत सिद्ध, करो, हमें क्या करना है, मरोगे तुम, मरोगे अर्थी तुम्हारे घर से उठेगी, हमारे घर से थोड़ी उठेगी, करिए। खैर खत्म करते हैं इस बात को यहीं पे, ज्यादा बोलेंगे तो वीडियो तो लंबा हो ही गया है 15 मिनट के आसपास का, बाकी बात बाद में करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय भोले।